अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में जी नथिंग स्पेशल, जस्ट अ लिटिल अनाउंसमेंट। आज मेरा लास्ट डे था सॉर्ट ऑफ एट माय करंट एम्प्लॉयर, एंड फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे आई विल बी जॉइनिंग अनदर कंपनी हियर इन फिनलैंड। सो आज इट वॉज अ प्री समर वेकेशन पार्टी एंड इट वॉज काइंड ऑफ फेयरवेल पार्टी फॉर मी। और इस वक्त जी मैं जा रहा हूँ एक दोस्त की तरफ, आपको भी मिलाता हूँ उनसे। बड़े नाइस और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, ही इज़ फ्रॉम सवाबी। तो एक्चुअली काइंड ऑफ हम लोग एक ही शहर से आप कह दें। सो वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। मेरा जो गांव है उसके गांव से ऑलमोस्ट कोई 35 किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान में। सो एक ही शहर का आप कह सकते हैं। बट एनीवेज अदर देन दैट, जो लोग यहाँ पे स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वेलकम जी। और मौसम इधर जी आज दूसरा दिन है, बड़ी फिट किस्म की धूप पड़ रही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये जी स्टूडेंट हाउसिंग है, लिंतुवारा की स्टूडेंट हाउसिंग है ये, और लेपावारा जो सिटी है, सिटी तो नहीं है खैर, सेंटर कह दें आप इसको, एस्पो का वन ऑफ द सेंटर एरियाज। सो लेपावारा जो है जी उधर बड़ी मार्केट्स हैं, तो लेपावारा से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ये इलाका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड पे जो है स्टूडेंट हाउसिंग है और ये पार्किंग भी है, स्टूडेंट पार्किंग। इधर जी अपार्टमेंट्स जो हैं वो लकड़ के हैं, वुडन अपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से इट इज़ क्वाइट हार्ड। सो हाउसिंग का ये है कि इट्स लेस एक्सपेंसिव इधर जो ये वाला एरिया है, तो यू कैन गेट अ रूम फॉर अराउंड 250 यूरोस पर मंथ और इवन 200 यूरोस पर मंथ। लेकिन मसला ये है कि ये अपार्टमेंट्स लकड़ी के होते हैं, ग्राउंड फ्लोर भी और टॉप फ्लोर भी। तो जो नीचे होता है ग्राउंड फ्लोर पे, दे हैव अ रियली टफ टाइम। अगर ऊपर हल्का सा भी कोई चले तो आपको नीचे आवाज़ आती है, और अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप हल्की सी भी आवाज़ हो और आप उसमें सो नहीं सकते, तो दीज अपार्टमेंट्स आर नॉट फॉर यू। सो वेन एवर यू अप्लाई फॉर एन अपार्टमेंट, तो मेक श्योर के किस टाइप का अपार्टमेंट आप देखते हैं। ऑल्दो कि आपको चीप तो नज़र आएगा कि ये 200 यूरो का अपार्टमेंट है, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि वो वुडन फ्लोर और सारा कुछ, तो वो फिर मतलब इट्स नॉट दैट कम्फर्टेबल। एंड देन फॉर लेट्स से अगर ये आपको 200 यूरो का मिलता है, तो दूसरा नॉर्मल आपको 250 तक का मिल जाएगा या 260 तक का, लेकिन उसमें ये है कि वो प्रॉपर आपका जो बिल्डिंग है कॉन्क्रीट की और इस तरह, लेकिन दीज आर नॉट दैट कम्फर्टेबल। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर इन द स्टार्ट, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब देन एवरी पेनी काउंट्स। तो ये साथ पार्किंग भी है। अभी जी ये बड़े मज़े के गुलाब के फूल जो हैं वो खिले हुए इधर, और जिस तरफ भी आप जाएं तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, एंड बड़ी अच्छी खुशबू इनकी। आई पुट देम इन माय रूम, तो बड़ा अच्छा फ्रेश जो है इसका आपको स्मेल आती है। अच्छा, ये इलाका लिंतुवारा इन द सेंस काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इट्स क्लोज़र टू द लेपावारा सिटी सेंटर, तो यू कैन गेट एवरीथिंग विद इन 2 किलोमीटर। और यहाँ से अगर आप आल्तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो देर इज़ अ बस दैट डायरेक्टली गोज इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो उस लिहाज से भी ठीक है कि डायरेक्ट बस है। तकरीबन 20 या 25 मिनट लगते हैं यहाँ से। इस इलाके की और एक ख़ास बात कि इट्स अ वेरी पीसफुल,
ऑल्दो होल फिनलैंड इज़ वेरी पीसफुल, लेकिन ये इलाका ज़्यादा पीसफुल है। उसके अलावा जी यहाँ पे देख सकते हैं आप के डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ की फैसिलिटी है, और इधर ये एक जिम भी बनी हुई है, आउटडोर जिम, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो क्वाइट मैनी थिंग्स, मोस्टली समर में ये चीज़ें यूजेबल हैं, विंटर्स के अंदर तो जब बर्फ़ पड़ती है तो इट्स वेरी हार्ड कि आप कोई एक्टिविटी करें, एंड इट्स पिच डार्क सो डजंट मेक सेंस। लेकिन एनीवेज आई पर्सनली लाइक दिस एरिया। उसके अलावा इधर कुछ प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक सेम अपार्टमेंट आपको स्टूडेंट हाउसिंग में अराउंड 500 मिलेगा, और इधर आपको एटलीस्ट 800 आपको मिलेगा। सो दैट्स द मिनिमम डिफरेंस अगर आप प्राइवेट हाउसिंग लेते हैं, बट फॉर दैट यू नीड इंश्योरेंस एज वेल, एंड देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। सो फॉर स्टूडेंट आई थिंक इट्स बेस्ट टू गो फॉर द स्टूडेंट हाउसिंग। बट अगर आप लेट हैं, लेट्स सपोज अगर आपने अप्लाई नहीं किया अपार्टमेंट जल्दी, एंड देन यू डोंट गेट एन ऑफर, सो उसके बाद आपको प्राइवेट हाउसिंग में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि वेरी एक्सपेंसिव। सो नेवर गेट लेट ऑन अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट हाउसिंग। स्टूडेंट हाउसिंग यूजुअली जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एंड व्हेन दे सेंड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट हाउसिंग के लिए। एंड देन इधर हम लोग आके यूजुअली स्टार्ट में हम लोगों ने मतलब एक रूम मैंने अपने नाम पे ले लिया था, और फिर हम लोग वो रूम शेयर करते थे। ऑल्दो इट वाज नॉट लीगल, बट व्हाट कैन यू डू, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 310 यूरोस। तो वो काफ़ी बड़ा रूम था, सो दैट्स व्हाई वी प्लान टू शेयर इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितने भी लेट्स सपोज स्टडी इन फिनलैंड, या आप जर्मनी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके स्टडी इन जर्मनी के ग्रुप्स होंगे, और उसमें इनकमिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो दे सर्च फॉर अदर रूममेट्स। तो उससे ये होता है कि आप पहले ही एक दूसरे से गपशप लगा लेते हैं फेसबुक पे, एंड व्हेन यू अप्लाई देन यू मेंशन योर नेम्स कि भाई, ऑल्दो आप लीगली भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्रेंड्स अपार्टमेंट, बट अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है और अगर आप लेट हो गए हैं, तो यू कैन पोस्ट ऑन दोज ग्रुप्स। तो उसमें ये कि अगर किसी को अपार्टमेंट ऑलरेडी मिल गया, तो यू कैन लिव विद देम एंड देन पे द हाफ रेंट। सो अभी मैं जी इधर आ गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर ये मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है। तो आपको हम मिलाते हैं लेवनगीन बाचा से। Where is the bell? Bell किधर है? Bell, 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 bell. सुधीर लका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जोड़े? अच्छा लग रहा है। ये हमारे जी लेवनगीन भाई हैं। क्या है आपका, ठीक है, तबीयत सेट है? समर कैसा गुजर रहा है? समर पहले तारीकी होती है विंटर में, आजकल धूप इतनी पड़ रही है कि पर्दे बंद किए हैं। अच्छा, मिजरेबल लाइफ। सही माहौल बनाया है सोने का। थोड़ा बहुत अरे चे कन्विंस सर शुमली म्यूजिक है ना, शुमलू से शे पकार दे। हाँ, शुमली बस की शुमली पकार दी यार, देसी बियर। अच्छा, ये भी हमारे दूसरे दोस्त हैं जो के अदरक को छील रहे हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे छीलते हैं अदरक को, जैसे कि आप देख सकते हैं। हसबे जायका डालते हैं हम खाने में ना, मड़तम वैसे बेकार है। जुनैद की वीडियो मैंने बनाई थी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा छिलका उतार रहा था। अच्छा, लेकिन ठीक है, तुम्हारे जुनैद की एक्सपर्टीज कम होंगे ना इसमें। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जी इंडिया पाकिस्तान से आपको देख रहे हैं इस वक्त, और आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? मजे करें और क्या। अच्छा, जो इधर आ रहे हैं कुछ लोग इधर आने का, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अच्छा नहीं यार, अच्छी जगह है ना, इस जगह में क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप खुद इधर हैं, आप खुद इधर हैं, आप लोगों को कह रहे हैं ना। दैट वाज जस्ट अ जोक। ओके,
और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दे जो लोग इधर आना चाहते हैं, किस बारे में इधर जो स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो इधर आना चाहते हैं? अच्छा है, काफी अच्छा है। क्या अच्छा है? खाक अच्छा है? नहीं, सैलरी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं। कौन लोग हैं? ये जलने की बू आ रही है कहीं से यार। एक 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 के हाथ में कैमरा है। तो आईटी वालों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज, आईटी वालों के लिए बहुत ज्यादा, उनके लिए मेरे ख्याल से हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल चलो नसीब की बात है, जॉब शॉप पैसा ये तो नसीब से होता है ना, वो तो नसीब। बाकी आप ये बताएं कि मुल्क इस फिनलैंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे स्टडी के लिए? अच्छा स्टडी को चलें, इंटरनेशनल चीजें डिस्कस करते हैं ना, तब ये आजकल काफी एक्टिव एक टॉपिक है रेसिज्म वाला। अच्छा रेसिज्म, उस पर आप बात करना चाहते हैं? 3 साल हो गए मुझे फिनलैंड में। अच्छा, आज तक तो मैंने कभी विटनेस नहीं किया रेसिज्म ना, कभी नहीं फील भी नहीं किया, फील भी नहीं किया शायद। अच्छा yes. तो जब आप बस में सफर करते हैं तो ड्राइवर से आपने कभी बात करने की कोशिश की है इंग्लिश में? यार मैंने कभी बस ड्राइवर के साथ बात नहीं की। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट यस। अक्सर होता है ना कि बंदा किसी से रास्ता पूछ रहा होता है कि भाई कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, उधर भी आपने फील नहीं किया कि लोग तंग होते हैं जवाब नहीं देते? यार इधर अगर किसी से पूछना पड़ भी जाए तो काफी हेल्पफुल लोग हैं आई गेस। अच्छा, मतलब फिर आपको यंग जो है वो हेल्पफुल है? यस काफी। लेकिन जो थोड़े से एजेड है ना, गया था पूस्ती के ऑफिस और रिसेप्शन पे एक एजेड बंदा था। अच्छा, तो उससे मैंने इंग्लिश में पूछा तो अच्छा। उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। उससे मैं कहा था उसने नहीं नहीं यस, उसने सिर्फ कहा कि यार नो इंग्लिश। अच्छा, बस तो फिर मुझे भी समझ आ गई कि ठीक है यार इसे और नहीं तंग करना चाहिए, किसी और से पूछ ले बंदा। सही है। अच्छा जी, जो हमारे लेवनगीन भाई हैं जी, इन्होंने और जॉब्स भी किए हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें आप। आपने पहले तो ये बताया कौन कौन सी और जॉब की हैं? मैंने एक ही और जॉब की है पूस्ती। अच्छा पूस्ती, ये मतलब अखबार न्यूज़पेपर डिलीवरी। 2-3 और थे जो कि मैं घरों में पहनता था। अच्छा, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस क्या यार, सारी रात -26 -24 में अखबार फेंक रहे होते थे, सारे लोग सोए होते थे, हम जाग रहे होते। अक्सर लोग ही समझते हैं ना जब वो आते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है जाके अखबार फेंक लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो कितना इजी है। शुड नॉट बी द मोटिव। अच्छा, क्योंकि उस सेमेस्टर में मेरे ग्रेड्स बहुत गिर गए थे और लकीली मुझे थीसिस मिल गया था, अदरवाइज इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड तो मेरे लिए मास्टर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता। अब तो अक्सर यही होता है ना, स्टडीज बहुत टफ हो जाती है। अक्सर यही होता है, मैंने काफी लोगों को, काफी जूनियर जो इधर आते हैं वो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि बादशाह भाई और जॉब। अच्छा, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए आई गेस। अच्छा अच्छा, क्योंकि 2 साल है, आप 2 साल थोड़ा सा और, खैर ऐसे भी काफी लोग होते हैं जिनके लिए होती है ये चीज बॉटलनेक के पैसे कम, फाइनेंशियल इशू होता है ना, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और वो भी काफी मतलब एक ठीक है एक लॉजिकल चीज है, बट स्टिल अगर बंदा थोड़ा सा इधर, अच्छा इधर डिपार्टमेंट में काफी जॉब्स मिल जाते हैं तो वो स्टडी रिलेटेड होते हैं, आपको इतनी क्वारी नहीं करनी। लेकिन वो समर में नहीं होती सिर्फ, या समर के बगैर नहीं? मैं उसके बाद भी करता रहा हूं, मतलब प्रोफेसर्स असिस्टेंट हो गए, टीचर्स असिस्टेंट। तो ये यूजुअली दूसरे साल में मिलती है मेरे ख्याल से, पहले साल में मिल जाती है? पहले साल में मिल जाती है, बट मतलब ये वो सेकंड ईयर में इसलिए मिलती है कि वो सब्जेक्ट आप असिस्ट कर पाएंगे जो आपने पहले खुद तो पढ़ा हो। अच्छा, यानी कि अगर 1 साल सब्र कर लिया जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज। मतलब यस, मैं कभी मैं 2 साल का नहीं कहूंगा, 1 साल आपको सर्वाइव करना है। अच्छा, 1 साल सही, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिनलैंड की इकोनॉमी काफी अच्छी है और इतना मुश्किल नहीं होता संभालना सब। लेकिन कौन सी आपकी फील्ड कौन सी थी पहले, अपने फील्ड के बारे में तो बताएं। मैं स्ट्रक्चर डिजाइनर हूँ जी। स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आपने पाकिस्तान में भी जॉब की है ना? मैंने पाकिस्तान में भी जॉब की है, मैंने इधर, अभी आप अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं ना? अभी मैं अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो इधर काम करने में और पाकिस्तान में काम करने में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसा आप देखते हैं? इधर काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में जुगाड़ में। अच्छा, जुगाड़ कर रहा है। टू नो अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, पाकिस्तान में तो यार काम चलाओ। अच्छा, काम चल रहा है, दैट्स इट। सही, इधर काम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, कम से कम आप 1 साल अच्छा पढ़े, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपसे एक्सपेक्ट। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आपने उसी फील्ड में जॉब करनी जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तब
कुछ होते हैं ना, लोग कहते हैं चलो आ जाते हैं और यस यस, फिर एक और टॉपिक आ जाता है कि अगर आपकी फील्ड ऐसे है, लेट सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई बिजनेस रिलेटेड, तो फिर आपके लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज के इश्यूज, यस लैंग्वेज के इश्यूज। तो आपका आपकी जो फील्ड है अगर वो टेक्निकल है सॉर्ट ऑफ, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि टेक्निकल स्टफ में यू डोंट नीड लैंग्वेज स्किल्स दैट मच, यू स्टिल नीड इट बट रिक्वायरमेंट एज ए जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो आपकी जो वो है अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसमें फिनिश लैंग्वेज मस्ट नहीं है यार, मस्ट नहीं है, यस मस्ट नहीं है। दूसरा लक पॉइंट ये था कि मेरे फील्ड के बंदे बहुत ज्यादा कम है तो जॉब मिल गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्ट्रक्चर काफी अच्छी जा रही है इधर फिनलैंड के अंदर, काफी अच्छी जा रही है, यस। अच्छा, तो आपके साथ और भी पाकिस्तानी दोस्त है ना जो कि सेम ही ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हैं, सीनियर्स हैं, और मेरे बाद जो पाकिस्तानी आए हैं काफ़ी उन्होंने मेजर चेंज कर लिए है क्योंकि अगर आप ऑल्टो में आ रहे हैं स्ट्रक्चर पढ़ने, सो यू बेटर शुड ब्रेस फॉर इंपैक्ट। अच्छा, उन्होंने मेजर किस में चेंज किया है? इट्स गोना हिट यू हार्ड स्ट्रक्चर से किसी और फील्ड में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इधर पाकिस्तान में हमारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होते नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ अगर आप मास्टर बातों बातों में आपने की प्यास तो नहीं जला दिया, जल नहीं रहे अभी सिर्फ ब्राउन हुए हैं, जल रहे हैं, जायका भी हम नमक मिलाएंगे। अच्छा अच्छा, लोबिया पकाना यार। अच्छा, ये जी लोबिया, स्पेशल स्पेशल लोबिया। आज जी हम लोबिया बना रहे हैं, काफी दिनों से हम लोग, वेल काफी दिनों से तो नहीं, लेकिन लोबिया और साथ में लस्सी, लोबिया और लस्सी, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? मतलब पठान लोग ज्यादा खाते हैं ना लोबिया, इसकी क्या रीजन क्या है यार, बताएं जरा सबको आज। प्रोटीन होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा, डेडली कॉम्बिनेशन है लस्सी। अच्छा, तो वो जम गया होगा मेरा, देखो यार व्यूअर्स, ये आप चेक करें इस वक्त प्याज हर रोज होता है, डालेगा पके ना, इसका अपने टेस्ट होगा ना, जले हुए प्याज का, वो गांव में जो बनाते हैं वो कट ऑफ उसका टेस्ट आएगा ना, जले हुए प्याज के साथ। अच्छा, ये रीजन था आपका, ये रीजन था आपका इसको जलाने का? हां, ये इंटेंशनली जलाया है भाई। अच्छा अच्छा, सही है, ऐसे थोड़ी ना। तो हम हमारे व्यूअर्स को रेसिपी बताएं ना, आप बना रहे हैं कुछ बता नहीं रहे। बहुत मुश्किल है जी लोबिया बनाना, ये बहुत मुश्किल है ना, आर्ट है ये, एक तो ये एक आर्ट है, ये आर्ट में आती है भाई। तो ये अच्छा, पहले ये बताएं कुकिंग आपने इधर ही सीखी है किधर सीखी है? जब पहले आप करते रहे जब कर रहा था तब हम पांच छह दोस्त हैं हम। अच्छा, तो हॉस्टल में काफी कम अरसा रहा हूँ। अच्छा, अपना अपार्टमेंट था तो उधर सीखनी पड़ी। अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तो स्टडीज के लिहाज से जो पाकिस्तान की स्टडी है और इधर की, कौन सी ज्यादा टफ है? यहाँ तो बहुत टफ है भाई, इधर ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैंने आईटी में ये फील किया इधर, मतलब लेकिन इधर आजादी है ना, आपको पूछता कोई नहीं आप पढ़ो ना पढ़ो, उस तरह ट्रैकिंग वो जिस तरह होता है ना स्पून फीडिंग, यस उस तरह नहीं करते इधर, उस तरह नहीं करते। दूसरा मसला ये कि ये यार ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें हैं, क्योंकि मेरे फील्ड में मैं कोर्सेज छोड़ नहीं सकता था, मैं वो छोड़ता मुझे जॉब ना मिलती पाकिस्तान में ना, या इधर इधर। अच्छा, पाकिस्तान में तो वो तो आपको दे देते हैं कि यार ये, मतलब आप चूज कर ही नहीं सकते उसमें से, इधर तो चूज कर सकते हैं ना। सही है, फिर जो कोर्सेज पढ़ के हमें जॉब मिली थी वो काफी टफ थे। अच्छा, और वो फिर पढ़ने पड़े आपको, करने के बगैर कोई और वो था नहीं, अच्छा रास्ता था नहीं, तो करने पड़े। सही, अच्छा भी था, वक्त था, गुजर गया जो भी था, गुजर जाता है वक्त। अच्छा, तो शुरू में जब आया था काफी डचका सा लगा था हमें। अच्छा, उसके बाद ठीक हो गए। अच्छा, तो अभी आप सीख जाते हैं ना, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में काफी ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है। अच्छा, बगैर आपने की बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है, पाकिस्तान में हम लोग बुक नहीं पढ़ते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। पाकिस्तान में तो नोट्स बनाते थे या स्लाइड्स पढ़ लिया, फाइनल एग्जाम स्लाइड्स पढ़ लिए, वीकेंड पहले शायद काम शुरू। अच्छा, और जिंदगी खत्म, इधर वो सिस्टम, बगैर बुक पढ़े। मैंने ये नोट किया कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते है ना, बगैर बुक पढ़े और बगैर हर रोज पढ़े। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट की मैं बात। अच्छा अच्छा अच्छा, बगैर बुक पढ़े और बगैर हर रोज पढ़े। अच्छा, आप नहीं कर सकते। सही, तो ग्रेड्स कितने मैटर करते हैं? अगर लेट्स सपोज आपने मास्टर किया है तो ग्रेड मैटर करते हैं आपके? जस्ट मास्टर्स होना चाहिए आपका? नहीं, मास्टर्स नहीं, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ग्रेड्स नहीं देखते। अच्छा, सब्जेक्ट्स देखते हैं ट्रांसक्रिप्ट में बहुत स्ट्रिक्टली। अच्छा, यस ये, और शायद वो भी मेरे फील्ड की बात है, क्योंकि लेट्स सपोज
मैं स्टील डिजाइन का कोर्स पढ़ूंगा तो मुझे स्टील डिजाइन डिपार्टमेंट में जगह मिलेगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जेनेरिक आपने स्ट्रक्चर की है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं, जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्योंकि हमारे मटेरियल डिजाइन होते हैं ना, कंक्रीट हो गया, प्रीकास्ट हो गया, प्रीस्ट्रेस्ड हो गया, कंपोजिट हो गया, स्टील हो गया, तो इस जिसके आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो वही काम आपको ये देंगे। सही, 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 सही। तो बाकी फिनलैंड के बारे में आप क्या राय रखते हैं, मतलब रहने के लिए कैसी जगह है? रहने के लिए जब आप स्टडीज पूरी करते हैं एंड वंस यू गेट सेटल्ड, बहुत पीसफुल है वर्क लाइफ और अच्छा झूठ बोलने दोगे थोड़ा सा? अच्छा, अब जी इनकी माशाल्लाह शादी हुई जी इस साल और सीरियसली वेट कर रहे हैं स्पाउस वीजा का। वेट ही कर रहे हैं जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्पाउस वीजा अप्लाई करने में, और मतलब कैसे? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, लेकिन हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है ना, दुबई जाना पड़ता है दो दो दफा। यस, वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है। अच्छा अच्छा, छोड़े कोरोना पे बात करते हैं थोड़ी, तो क्या आपकी जो दिन गुजरे का? अच्छा, कोरोना से बताएं जी, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा पहले और फर्क पड़ा है यार? अच्छा, आपकी क्या, घर से तो आप काम नहीं कर सकते या कर सकते हैं? मैं तो कर सकता हूँ बट मैं बोर हो जाता हूँ तो अच्छा छुट्टियाँ नहीं ली। अच्छा अच्छा, मैं तो ऑफिस जाना पसंद करता हूँ। फिट है जी, फिट है। तो इधर आपके पास फिर वर्किंग स्टेशन होना चाहिए, दूसरा मेरा कंफर्टेबल नहीं होता, एक स्क्रीन से मेरा काम नहीं चलता। अच्छा, दो हो तो एटलीस्ट आई नीड टू स्क्रीन्स, तीन हो तो और बेहतर है। अच्छा, और चार हो तो फिर तो मतलब मजा ही ना आ जाए, जन्नत है। हाँ? जन्नत हो जाए। आप रेसिपी नहीं बता रहे हमारे व्यूअर्स को, ये जी तो फिर बाद में लोग कंप्लेन करते हैं। कॉपीराइट से जरूरत है। अच्छा, नहीं बता सकते आप? ये तो बता नहीं सकते ना। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बता सकते कि बस टमाटर डालें, प्याज फ्राई करें और लोबिया डालें? ये कब कौन सी चीज़ डाली है? अच्छा, वो टाइमिंग मैटर करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगर और दूसरा हाथ का जायका जो वो किधर से लाएंगे? आपने हाथ धोए थे अभी थोड़ी देर पहले? यार दो मिनट बाद तो धो रहा। सही सही, ये भी मुंह का जायका बीच में जाएगा आपके जायके के साथ साथ। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जुगाड़ी तरीके से इसको खोलने की कोशिश की जा रही है, पर हालांकि इस डब्बे के ऊपर बना भी है कि इसको हाथ से खोलना, लेकिन हम लोग जो है ना फिर भी पाकिस्तानी नहीं है जी। अच्छा चलें जी, जितना हमारा खाना तैयार होता है उसके बाद आपसे बात करते हैं और फिर फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बाजा से मिल के आपको खुशी हुई होगी, मुझे तो नहीं हुई। लगती है नहीं लगती? यस, जबरदस्त। इस वक्त जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन लोबिया तैयार हो रहा है। नमक डालना भूल गया था। आपका कितना अरसे का एक्सपीरियंस है जी लोबिया बनाने का? कितना हो गया जी, 3 साल और 4 साल, 4 साल का तजुर्बा है जी। अच्छा, और फिर भी अच्छा नहीं बनता? बस क्या करें। जैसा कि आप देख सकते हैं जी व्यूअर्स, इस वक्त शदीद गर्मी थी, अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो हम लोगों ने इस पंखे को रखा खिड़की के अंदर और ठंडी हवा जो है वो इस वक्त अंदर आ रही है। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं थोड़ा, सूरज इस वक्त भी आसमान पे है। इस वक्त जी 10:20 है, 10 PM, और ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ख़त्म। पहचान है इस वक्त जी लोबिया बना रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा इस वक्त इसको जूम करके दिखाया आपको तो, ये लस्सी रेडीमेड आई है? Yep. ये किधर मिलती है यार? दुनिया कोप्पा। ठीक है जी, आज की हम अपनी वीडियो को इधर वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी डिस्कशन जो है उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ होगा जो हमने आज की है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और जस्ट फॉर फन आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें हम लोग शेयर कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। Signing off.
Show me a famous thing. So you can only throw.